लवर्स लेकर नहीं आई, मेरी नज़रों में मैं असली विनर हूँ जो अटैक करने की कोशिश किया, और इसलिए मैं उनसे बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं हूँ वो धीट ना सुनने वाला संकी बच्चा, तो बंदे में कुछ बात है और उसने सिस्टम सच्ची हैंग कर दिया। कौन से टास्क में मैं उस पर बैठ गई थी? मैं यही कहूँगी कि मेरी जर्नी बहुत चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट रही है, और मेरी नज़रों में मैं असली विनर हूँ, क्योंकि मैं तो कोई बैकअप लेके या फैन बेस या लवर्स लेकर नहीं आई थी, और अगर मैंने जीरो से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँची हूँ तो ट्रॉफी किसी को भी मिले, असली विनर तो मैं ही। घर वालों ने कई बार आपके पीछे पहले देखिए, फेस रीडिंग की आर्ट बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होती है, आपको सच बोलना पड़ता है, और सच हमेशा एक सिल्वर लाइनिंग के साथ नहीं आता है, उसमें कड़वाहट भी होती है, और जब इंसान अपनी सच्चाई किसी के मुंह से सुनता है तो वो ऑफेंसिव हो जाता है। तो आउट ऑफ दैट इनसिक्योरिटी एंड ऑफेंस उन्होंने मुझे अटैक करने की कोशिश की, बट दैट्स फाइन, अभी वो जो घर में था वो घर में छोड़ दिया है, अभी आगे बहुत लंबी लाइफ है यार। डिमोटिंग मुझे लगता है कि पूजा मैम को किसी भी मैटर में जज ना किया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हूँ वो धीट ना सुनने वाला संकी बच्चा, और उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, और ये ऐसी बॉन्ड है जो मेरे दिल के करीब हमेशा मरते दम तक रहेगी, तो मैंने उनको बहुत परेशान किया और इसलिए मैं उनसे बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी। कौन से टास्क में मैं उस पर बैठ गई थी? आप मुझे एम्बेरस कर, नहीं यार वो डिस्ट्रैक्ट करना था उसको, और उससे बेटर डिस्ट्रैक्शन मेरे पास कोई नहीं था, और मैं उस पर बैठ नहीं गई थी, मैं उसकी लैब पे बैठी थी। हद होती है यार, ये सब मत बोलो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं टास्क में जो मेरा काम था मैं बस वही कर रही थी। 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अनुष उसको लेकर क्या कहना चाहूँगा? मुझे लगता है मुझे बहुत नाज है एल्विश पे, उसने हिस्ट्री बनाई है और उसने सिस्टम सच्ची हैंग कर दिया है, और मुझे पहली नज़र में ही लग गया था बंदे में कुछ बात है, और ये चीज़ मैंने तो आते हुए देख ली थी, हैरानी है कि आप लोगों ने नहीं देखी। यही कहना चाहूँगी कि आपने मुझ जैसी अंडरडॉग को इतना सराहा, प्यार दिया और इतनी ऊँचाई पर पहुँचाया है, तो आप भी अपने आप में बिलीव कीजिए, आप भी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू।